आपने बोली हमारा सर न बच पाता अगर उर्दू से आती। तो अच्छा रहा कि हमें नहीं आई। और हम उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ की लड़की मेरठ पढ़ने आई और उसे मेरठ के एक लड़के से इश्क हो गया, तो सही सांस वो लड़का उससे बोला बड़ा रोमांटिक हो गया कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो लड़की ने कहा मेरी छोड़ा अगर नुक्ता मिले तो पहले उसे जिंदगी में शामिल कर। तो हमारे यहां भी हम बोल पा रहे हैं ये बड़ी बात है, और ये समझ पा रहे हैं ये बड़ी बात। मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उनके विषय में जब जब मैं सोचता हूं तो बड़ा अभिभूत हो जाता हूं। जापान में एक तलवारबाजी की शैली है जिसे समुराई कहते हैं, उसका कोई कायदा नहीं होता, उसमें तलवार को ही हाथ बनाना पड़ता है। इस त्वदीयता के साथ, हिंदी में एक शब्द है त्वदीयता, एक हो जाना अपनी कला के साथ, इस त्वदीयता के साथ तलवार चलानी पड़ती है कि ऐसा लगता है कि हाथ और तलवार एक हो गए हैं। फिर सामने वाला जहां तलवार मारता है वहां ढाल की जगह तलवार ही आ जाती है। हिंदी की कवि सम्मेलनीय वाचिक परंपरा में आज से 31 वर्ष पहले बीए के विद्यार्थी के रूप में जब मैंने प्रवेश किया तो मालवा के दो महनीय विद्वानों से मैंने कैखे के सीखा, जिनमें एक दिवंगत हो गए, वो गद्य के बड़े बादशाह थे, बड़े मनहर कवि, स्वर्गीय बालकवि बैरागी, राज्यसभा में रहे, संसद में रहे, मध्य प्रदेश के मंत्री रहे, और एक अद्भुत कवि बाल कवि बैरागी था। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, ऐसा लिखने वाला कवि अद्भुत कवि बैरागी जी हुए। मालवी भाषा में पनिहारी उनकी कविता, नई उमरिया नई गगरिया नवी पिया की नव प्यारी हो, नवी नगरी में नवगरी ने पनिघट जयोरी पनिहारी हो, ऐसा गीत लिखने वाले। दूसरे एक कवि जिसने जिसकी वैश्विक व्याप्ति थी, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने विधिवत उनके गुरुकुल में प्रवेश नहीं लिया लेकिन उन्हें दूर से देखकर सीखा बहुत, मंच पर कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे संभाला जाता है, मजमा बाहर चला जाए तो उसको कैसे वापस लिया जाए, ऐसे संचालकीय कौशल के भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कवि इस मंच पर बैठे हुए हैं जिन्हें आप सब जानते हैं। मैं हिंदी कवि सम्मेलनों के बेताज बादशाह और सियासत और कविता के बीच में अगर चयन का समय आए तो बड़ी हनक के साथ मंच को स्वीकार कर लेने वाले उस आचार्य कवि को आमंत्रित करता हूं जिसे पूरा मालवा गुरु के नाम से जानता है और हिंदुस्तान सत्यनारायण सत्तन के नाम से जोरदार तालियों के साथ, जब तक वो माइक पर आए तब तक आपकी तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चरणारविंद की पूजा हो गई, उसके बाद आवारा चांद अब जश्न राहत में आवारा चांद ही रहेगा। अरे रुख से पर्दा जरा हटाने दो, जाने कभी ये भी
ऐसे ही आएगी। आने वाली का इंतजार करना पड़ता है, एकदम से ही आ जाए। मगर तुम भी इंदौर के श्रोता, ये इंदौर इंदौर कर रहा तुम्हारा विश्वास बेटा, इंदौर इंदौर तू नहीं जानता, यहाँ नेताओं की टोपियों का नीलाम होता है। यहाँ पर हर बड़ा सदनाम नर बदनाम होता है। यहाँ जो जम गया उसका तुरंत ही नाम होता है, और यहाँ पर हर बड़ा सदनाम नर बदनाम होता है। यही इंदौर का दिल है, ये फितरत का अखाड़ा है। चौक है प्यारे, जहां पर राजवाड़ा है। इंदौर कैसा इंदौर है, जश्न इंदौर, राहत है, है? हर दौर में इंदौर है इंदौर का राहत। इंदौर का राहत चारों तरफ एक शोर है, अरे वक्त ने क्या अदा नवाजी है। मुझको ऐसा लगा कि मेरे
का ये बसंत आता है। हम कई तरीके से निकलते हैं, सूरत तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली, बोले ससुराल जा रही है ले माला डी की गोली। तुझको सलाम हम
करते हैं गुलाम गौस, उसी रोज झंडा ऊंचा हो गया हमारा। समय की मर्यादा पैसा ही पैसा है।